उमरिया जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की 17 सड़कें गायब हैं। जी हां, हम नहीं कह रहे बल्कि पीएम जीएसवाई कार्यालय की जांच रिपोर्ट कह रही है। करोड़ों रुपए का गबन हो गया है। ठेकेदार और विभाग के जिम्मेदारों ने कागजों में ही सड़कें बना दी है। शिकायत के बाद हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं कलेक्टर के आदेश के बाद में कार्यालय की एक जांच टीम ने छापा मारा है और रिकॉर्ड को जब्त करने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। कागजों में ही बन गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की सड़कें। करोड़ों रुपए का हो गया गबन, अब हुए हैं रिकॉर्ड जब्त। शिकायत के बाद मचा हड़कंप। दरअसल ये तस्वीरें हैं उमरिया जिले के ग्राम देवरी की, जहां गांव तक पहुंचने के लिए पक्की रोड नहीं है, लेकिन ठीक पीछे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की सड़क निर्माण का बोर्ड लगा हुआ है। जी हाँ, आश्चर्यजनक है, लेकिन जिले भर में ऐसी कई सड़कें हैं जो कागजों में बन गई हैं। सड़क निर्माण में धांधली और सड़कें गायब होने की शिकायत के बाद कलेक्टर ने इस मामले को संज्ञान में लिया और उसके बाद एक टीम भेजकर छापामार कार्रवाई करवा दी। अधिकारियों के रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए हैं और मामले की जांच शुरू हो गई है। पिछली सरकार यानी भाजपा सरकार के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगा है। जाँच से जुड़े अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय हो जाती है, सच में भारत में इतना भ्रष्टाचार है कि कागजों में सड़कें बन जाती हैं, राशियां निकाल ली जाती हैं और कानों कान किसी को खबर नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है। कार्य चल रहे हैं, जो मेंटेनेंस वाले कार्य हैं उनकी फाइलों का निरीक्षण किया है और गहन जांच करने के लिए कुछ फाइलों को जब्त करके भी लेके आए हैं। चूँकि कार्यवाही प्रारंभिक स्तर पर है, इसलिए अभी कुछ कहना उचित नहीं है। जैसे ही जाँच होती है तो उसका खुलासा किया जाएगा। इसका पैसा ठेकेदार निकाल के खा चुका है। परेशानी बहुत जा रही है। गड्ढे डोंगरे खूब हैं। शिकायत हम किए पर इधर कोई वो नहीं सुनने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती सरकार है, इसमें अनेक ऐसे घोटाले हुए हैं। तालाब नहीं है, भुगतान हो गया। बांध नहीं है, भुगतान हो गया। सड़कें नहीं है, भुगतान हो गया है। और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये 17 जो मामले हैं, ये इस प्रदेश की, इस जिले की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। इसका दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा के शासन में जो धांधलेबाजी हुई है, जो घोटाले हुए हैं, वो धीरे धीरे करके सबके सामने आ रहे हैं। अंजलि जी, उमरिया जिले में प्रधानमंत्री सड़क अगर बनती है और 17 की 17 सड़कें केवल कागजों पर बन जाती हैं, हकीकत में उनका नामो निशान नहीं होता, क्या है पूरा मामला? सर, उमरिया जिले से लगे हुए 17 गांव ऐसे हैं कि जहां आज तक सड़क बनी ही नहीं, सिर्फ उनका निर्माण कागजों में हो गया और बोर्ड लगा दिए गए। बोर्ड में लागत कीमत भी उनकी दर्शा दी गई, पर आज तक वहां कभी सड़क बनी ही नहीं। गांव से कई गांव माने गांव से जोड़ने के लिए कई तरह की सड़कें प्रधानमंत्री सड़क बनाई जाती है, पर आज तक किसी तरह की कोई सड़क नहीं बनी। जी जी अंजलि जी, एक बात और सामने आती है, इस तरीके से अगर कागजों में हेरा फेरी हो जाती है, करोड़ों रुपए की राशि निकल जाती है, बावजूद उसके जिम्मेदारों को कोई होश नहीं होता, या तो होश नहीं होता या मिली भगत से ये सिलसिला शुरू रहता है। सर, ये तो मिली भगत से ही होता है। इसके बावजूद भी जब इनकी कंप्लेन गाँव ग्रामीण वासियों ने कलेक्टर के सामने की, फिर कलेक्टर ने इसको संज्ञान में लेते हुए कार्यालय में जाके छापामारी की, फिर उसके बाद जो सामने खुलकर आया कि सड़क आज तक कभी बनी ही नहीं, सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति की गई है, और इसके बावजूद जो गांव को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग कहलाती प्रधानमंत्री सड़क योजना, वो आज तक निर्माण ही नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में निर्माण किया गया। बोर्ड लगा दिए गए, बोर्डों में कीमत दर्शा दी गई, इस तरह से काफी। फिर कलेक्टर के द्वारा ने जब ऑफिस में छापा मारा गया, तो सिर्फ छापे में यही पाया गया कि निर्माण किसी तरह का कभी नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में निर्माण हुआ। तमाम जानकारी के लिए अंजलि जी शुक्रिया, लेकिन इस खबर पर हम लगातार अपडेट बनाते रहेंगे। उमरिया से अंजनी राय की रिपोर्ट।